नमस्कार, गुजरात में कोविड 2019 की जो परिस्थिति कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक की जो सूचना इस प्रकार से है कि आज 25 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। आज एक दुखद अवसान भी हुआ है। आज के जो 25 केस हैं इसमें से 23 अहमदाबाद के हैं, 2 आणंद जिले के हैं और अभी तक जो टोटल 493 केसेस हैं उसमें से 44 यानी कि 44 लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज होके वापस घर गए हैं और अभी जो एक्टिव हैं 426 यानी कि 426 जितने लोग अभी पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसमें से 422 लोग बिल्कुल स्टेबल हैं और 4 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं। और इस तरह से टेस्टिंग के अगर आंक हम बताएं तो अभी तक कुल हमने 10,994 लोगों की टेस्टिंग की है और इसमें से 493 पॉजिटिव निकले हैं और 116 पेंडिंग हैं। और इसी तरह से लास्ट 24 घंटे में 2,663 टेस्ट किए गए हैं जिसमें से 61 पॉजिटिव पाए गए हैं। सवेरे जो अब की परिस्थिति है कल शाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके अब तक 1,522 टेस्ट किए गए हैं जिसमें से कि 25 पॉजिटिव हैं। आज एक खास अनुरोध करेंगे कि आयुष मंत्रालय के जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमने सबसे अनुरोध किया है कि जिस जिसको आयुष यानी आयुर्वेद और होम्योपैथी हमारे यहाँ यूनानी और सिद्धा का उतना प्रचलन नहीं है और इसमें जो भारत सरकार के सब वरिष्ठ तज्ञ हैं उनकी जो गाइडलाइंस आई है उसी का अक्षर सह अनुपालन हमारी गुजरात सरकार ने भी की है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जितना हो सके अगर इन सब मेथड्स को हम अपनाएं तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो इसमें ऐसे सुझाव है कि 7 दिन तक समसम वट्टी 2-2 गोली अगर दिन में लिया जाए 2 बार तो ये यूजफुल रहेगा। और इसी तरह से दशमूल कवात पथ्य आदि कवात कुल 40 ml और त्रिकूट चूर्ण 2 ग्राम दिन में 2 बार 7 दिन तक। और वैसे ही एक होम्योपैथी की एक दूसरी ऑप्शन है अगर किसी को होम्योपैथी में ज्यादा लगाव हो तो आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी वाली जो दवाई है वो हम दिन में 2 बार 4 छोटी गोली इसको लेनी होती है 4 दिनों तक। और इसका एक बड़ा एक ड्राइव हम लोगों ने पाटन और साबरकांठा में भी किया है पर ये हमारी सभी आयुर्वेदिक दवाई दवाखाने जो हैं और होम्योपैथी के भी जो डिस्पेंसरीज हैं इन सब में मिलेंगे। अगर आपको इच्छा हो कि आपको ये ट्रीटमेंट लेना है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए तो 104 नंबर पर फोन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपके घर के नज़दीक किस सेंटर से आपको ये दवाई मिलेगी तो वहाँ आप ये बिल्कुल ले सकते हैं और इससे हम आशा करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। नमस्कार। Shoot!